हेलो एवरीवन वन वेलकम टू माई ट्यूब चैनल मैकिन यहाँ पे कुछ दिन पहले आप सभी लोगों के लिए डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चों के एन सी एल नॉर्थन लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमैन जो आपकी जूनियर इंजीनियर लेवल पोस्ट होती है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली गई थी जहाँ पर आप फेशियल थे बिल्कुल आप फॉम फ़िलअप कर सकते थे तो यहाँ पे आपको फॉर्म फ़िलअप करने का ये आपका लास्ट मौका है हम आपका लास्ट डेट से पहले ये एक, एक आपका रिमाइंडर वीडियो है जिससे कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है प्लीज़ आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा हम इस वीडियो में डिटेल में इनके एडवर्टीजमेंट को देखेंगे इनका फुल ऑफिशियल सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है सभी कुछ हम यहाँ इस वीडियो में एक बार और देखेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर सब दूर हो जाएंगे आप इस वीडियो को स्पीड के यहाँ पे 1.5 पॉइंट कर सकते हैं जिससे कि आपका यहाँ टाइम सेव हो जाएगा तो हम चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बट फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम से मिल सके और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो तो हम यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन को देखते हैं तो यहाँ पर आपकी नौ जनवरी की आपकी अपडेट निकल के आई थी मतलब नौ जनवरी को आपकी यहाँ पर एन में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी जो आपका एक मिनी सरकारी कंपनी है यहाँ पे हम बात करते हैं कन किस किस पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई थी तो यहाँ पे आप देखिए असिस्टेंट फोरमैन ई ट्रेनिंग ग्रेड सी पे उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी वैकेंसी निकाली गई थी जहाँ पे आपके सुपरवाइजरी जूनियर इंजीनियर लेवल की पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे हम बात करें तो अगर आपने आ, 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 मेट्रिकुलेशन या डिप्लोमा किया हुआ है और हायर क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बिल्कुल आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आपने मेट्रिकुलेशन या डिप्लोमा किया हुआ है और रिलीवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो बिल्कुल आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर अगर आपने मेट्रिकुलेशन और डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट आपका पाँच फरवरी रखा गया यहाँ पे आपकी आज डेट एक फरवरी है तो यहाँ पे आइए यह आपका एक रिमाइंडर वीडियो है जिससे कि आप प्लीज़ फॉर्म फ़िलअप नहीं किए हो तो फॉर्म फ़िलअप कर लीजिएगा यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ टोटल आपकी वन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकल के आई हुई हैं जहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन ई एन ट्रेनिंग की टोटल यहाँ पर नौ वैकेंसी है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की यहाँ पे फिफ्टी नाइन वैकेंसी असिस्टेंट फोर्म में इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे दो पार्ट में है में और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ई एंड एम में तो यहाँ अड़तालीस और चौंतीस वैकेंसी है तो यहाँ पे टोटल आपकी डेढ़ सौ वैकेंसी बाकी आप यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज सीट को देख लीजिएगा फ्रेंड्स आप इस पी डी एफ में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं आपको ये पी डी एफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा हम बात करें जो आपकी पहली है असिस्टेंट फोरमैन ई e एन टी ट्रेनिंग की तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिनिमम तीन साल का आप बिल्कुल फॉम फिलअप कर सकते हैं हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर आपने डिग्री किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो यहाँ पे कंसीडर होगा बट यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल नहीं है डिप्लोमा वी बी टे इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्टूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कम्बिनेशन यहाँ पे यहाँ पर कंसडर नहीं किए जाएंगे वहीं अगली देख लेते हैं तो आपको असिस्टेंट फोन में मकैनिकल ट्रेनिंग की वैकेंसी है तो आपने डिप्लोमा किया हुआ तीन साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा प्रोडक्शन हो गया इंडस्ट्रियल हो गया ऑटोमेशन हो गया थर्मल हो गया मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी कॉम्बिनेशन ब्रांच को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उसी प्रकार यहाँ नीचे आते हैं तो आपके असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की वैकेंसी जहाँ पे डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपने इंस्ट्रोमेंटेशन कंट्रोल पावर सिस्टम पावर तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मैंशन कर दिया है अगर आपने इनके कॉम्बिनेशन से डिप्लोमा किया बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं किए जाएंगे यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं फिर तो यहाँ पे देखिए जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है आ, ट्रेनिंग आपका एक साल का है किसी में दो साल का ट्रेनिंग है यहाँ मेंशन किया गया है उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट वैकेंसी इस uh, किस ग्रेड पे आपको यहाँ पे दे, दे दीजिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ठीक है गवर्नमेंट uh, के रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा वहीं पे आपका जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी एट्टीन इयर्स लेकिन थर्टी ईयर्स यहाँ पे आपकी एज लिमिट रखी गई है वहीं एस सी वालों को पाँच साल का ओबीसी वालों को तीन साल का पी डब्ल्यू वालों को दस साल का और यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं फ्रेंड तो यहाँ पे युवा वाले बच्चों के लिए एक हज़ार रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई वहीं पे जीएसटी एस टी एक, एक सौ अस्सी रुपये जी एस टी लगा के आपको यहाँ पे ग्यारह सौ अस्सी रुपये फीस पे करना होगा एस सी वाले बच्चों के यहाँ पे कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो कंप्यूटर बेस्ड है सी के बेस पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन हाँ देखने को मिलेगा uh, यहाँ पे जो जो भी सिलेक्शन होगा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 90 मिनट मतलब आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा सेक्शन uh, ए में आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपका सेवेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे जो आपकी ब्रांच रहेगी और सेक्शन बी में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस रीजनिंग वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी क्वान्टिटी ऑफ के यहाँ पे आपको थर्टी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे आपको हंड्रेड क्वेश्चन आपको हंड मार्क्स का देने वाला है uh, यहाँ एक question, एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन एक मार्क रखेगा और यहाँ पे देखिए नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर तो मतलब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रखेगा इसका आप ध्यान रखिएगा uh, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका यहाँ पे पेपर का देखने को मिल जाएगा टेस्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पर टेस्ट सेंटर मेंशन किया गया है जो आप ऑनलाइन आप आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से फॉर्म वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं आ, यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ बात कर लेते हैं फ्रेंड देखिए मेंशन किया हुआ इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेक कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट अगर आपका यहाँ पे मल्टीपल uh, शिफ्ट में एग्जाम होगा तो यहाँ पे आपको मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा तो बट अगर मल्टीपल शिफ्ट नहीं होगा तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा फॉर्म uh, को अप्लाई करने का लिंक यहाँ दिया हुआ uh, है तो मैं इस फॉर्म को डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँ वहाँ जाके आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसका आप ध्यान देखिएगा ठीक है uh, और चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं आपका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट आपका uh, पाँच फरवरी से पंद्रह जनवरी से आपका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका था तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा यहाँ पे हम अगर डिटेल सिलेबस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका सेक्शन है सेवेंटी मार्क्स का आएगा यहाँ पे आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट फोरमैन ई एन टी की जो यहाँ पे पोस्ट है उसका क्या सिलेबस यहाँ मेंशन किया गया है वही नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपकी मैकेनिकल की पोस्ट है तो क्या ऑफिशियल सिलेबस थ्योरी ऑफ मशीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो यहाँ पर इन्होंने हर एक सिलेबस को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं ठीक है वही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रिकल का सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिकल ई एन टी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब और मैकेनिकल का सिलेबस यहाँ इन्होंने डिटेल में मैंशन कर दिया है आप इस पी को प्लीज़ मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सेक्शन बी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको सेक्शन बी में थर्टी uh, मार्क्स का थर्टी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको यहाँ uh, पे देखिए चार सेक्शन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा पहला आपका जनरल नॉलेज दूसरा जनरल अवेयरनेस उसका रीजनिंग वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी उसका यहाँ पे क्वान्टेटिव एप्टीट्यूड तो यहाँ पे आपको चार सेक्शन में से आपका थर्टी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सिलेबस दिया हुआ है बाकी आपको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक जी जी के दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है THANKS <laughs> Uh, तो फ्रेंड ये मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे फिर भी आपको मैंने कोई डाउट है मुझको वीडियो में कमेंट कर सकते हैं मैं आपकी हेल्प करने की यहाँ पूरी कोशिश कर दूँगा आप मुझको सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं एफ का लिंक आपको इंस्टा इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने का लिंक आपको सभी कुछ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और टेलीग्राम को अगर आपको लिंक काम नहीं करती हो तो आप टेलीग्राम में जाके मेक इन टॉक्स आप टाइप कर देंगे तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल भी देखने को मिल जाएगा वहाँ से आप ज्वाइन होकर उस पी को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा जितने भी आपके दोस्त हैं उन ये वीडियो शेयर करिए जिससे कि सबकी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर